अगर YouTube पे कोई मुझसे पूछे कि तुम एक ही वीडियो अपलोड कर सकते हो, एक ही इन्फॉर्मेशन लोगों को दे सकते हो, तो वो कौन सा वीडियो होगा? मेरे पास वैसे बहुत सारे वीडियो हैं, डेटा एनालिसिस करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस हैं, लेकिन अगर एक ही वीडियो आपको देना होगा तो वो ये वीडियो होगा। और इससे मेरी ट्रेडिंग में 90% की ग्रोथ आई है और मैं मानता हूँ आपके जीवन में भी बदलाव बिल्कुल आएगा। ये क्या ट्रिक है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं कॉलेज में सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में हुआ करता था जब मैंने एक बहुत ही फेमस बुक पढ़ी, रॉबर्ट कियोसाकी की। आपने भी नाम सुना होगा, रिच डैड एंड पुअर डैड। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर ने पढ़ी भी होगी बुक। बिल्कुल शानदार बुक है, ऐसा कोई टेंजिबल इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, लेकिन आपके विचारों को बदलती है, आपके विचार को एनहेंस करती है, जिसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ा मनी में, फाइनेंस में और स्टॉक मार्केट में, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और नहीं अच्छी चली, स्टॉक्स खरीदा बेचा, पोजीशन लिया, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज बनाए। लेकिन जब मैं एफएनओ में आया, ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू की, तब मेरा कई बार नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा नहीं बनाया, पैसा कई बार बनाया, लेकिन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी थी कि कंसिस्टेंसी नहीं थी प्रॉफिट में। यानी जब मैंने अपने सारे ट्रेड को डॉक्यूमेंटेशन करके उनकी डिटेल में पढ़ाई की, तो मैंने देखा कि यार मेरा कब प्रॉफिट होगा, कब नुकसान होगा, उसमें कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं। कई बार जब मैं अपने ट्रेड पर दूसरी बार देखा, तो कई बार मुझे लगा यार ये ट्रेड मैंने लिया ही क्यों उस समय, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, मेरे ट्रेड सेटअप में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे उसको वहाँ पर सही करना होगा। और उसको सही करने के लिए फिर मैंने ये रूल निकाला, और ये रूल मैं आपको पास ऑन करना चाहता हूँ। ये रूल है, ट्रेड लेने से पहले एक रात पहले आपको पढ़ाई करनी है, आपको पूरे मार्केट के एनालिसिस करनी है, और अपनी ट्रेड एक दिन पहले डिसाइड करनी है। यानी लाइव मार्केट में जाकर अगर आपको कोई ट्रेड करना अच्छा लग रहा है तो वो ट्रेड नहीं करना आपको। आपने अगर अपने ट्रेड की प्रिपरेशन एक रात पहले की है तभी आपको उसको ट्रेड करना है। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल देता हूँ, जब बड़ी गिरावट हुई थी तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया था, लेवल निकाल के दिया था, उस टाइप से मैं हर दिन मार्केट की इस तरह से एनालिसिस करता हूँ। ये मेरा रोज़ का है, मैं बिल्कुल रोज़ एनालिसिस करता हूँ मार्केट की, और इस तरह से मेरी एक डायरेक्शन बनती है मार्केट की। मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेंड को समझना, जो आप बिना खुद का एनालिसिस किए एक तो समझना मुश्किल है। मान लीजिए आप कहीं से समझ जाते हो, यूट्यूब वीडियोस और कहीं और से, आपका अपना खुद का कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको खुद की मार्केट एनालिसिस करनी है, और इस मार्केट एनालिसिस के दौरान मैं निफ्टी और कई बार बैंक निफ्टी के लेवल्स डिसाइड करता हूँ पहले से, कि यहाँ पर आने पर ही मैं ट्रेड करूँगा वरना नहीं करूँगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कल का एनालिसिस है 15 का। यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखा है कि मेरे ट्रेड सेटअप होंगे क्या। यहाँ पे मैं बेसिकली लेवल्स निकालता हूँ और कई बार स्ट्रेटजी लिखता हूँ कि यहाँ पर आने पर मैं क्या करूँगा। इस तरह से मैं पर डे करता हूँ, और मान लीजिए सिर्फ इतना करने से मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मेरे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है मेरे ट्रेडिंग लाइफ में, और आपके में भी आएगी। इससे एक चीज़ जो अच्छी हो जाती है, वो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, कई बार मैं सोचता हूँ कि यार ये ट्रेड मैंने लिया क्यों। लाइव मार्केट बहुत तेज़ मूव करता है और बहुत सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाइव बहुत तेज़ी से आते हैं। अब एक ह्यूमन माइंड कई बार उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता, वहां पे मल्टीपल इमोशंस आ जाते हैं, और उस इमोशन की वजह से हम गलत ट्रेड ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ होता है, ये मेरे साथ होता है, ये किसी भी इंसान के साथ होता है। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो पहले से प्रिपेयर करके आता है, और प्रिपरेशन इज दी ओनली की। इस चैनल पे मैं कई बार बोलता हूं कि पढ़ाई करो, जितना पढ़ सको वो करो, बुक पढ़ो, ये करो वो करो, और कई लोग कभी मजाक ऐसा जोक करते भी हैं इस बारे में, लेकिन मैं दिल से बिल्कुल बिलीव करता हूं कि यार एज अ ट्रेडर आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, कंसिस्टेंटली मार्केट से आगे रहना है, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करके आना है मार्केट में। क्योंकि आप सोचो यार, ये मेरे पास एक ईयरफोन है, ये रियलमी का ईयरफोन है, बहुत फेमस है, इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, इसमें कितने mm का ड्राइवर है, कौन से मटेरियल का यूज़ किया है, वायर की लेंथ कितनी है, वायर ब्रेडेड है कि नहीं ब्रेडेड है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। एक 600 रुपए के ईयरफोन के लिए अगर मैं इतनी रिसर्च करता हूँ, एक मोबाइल के लिए 10,000 का मोबाइल आप लेते हो तो कितनी रिसर्च करते हो, स्क्रीन एमोलेड है कि नहीं, कितने निट्स की ब्राइटनेस है, कौन सा प्रोसेसर लगा है, कितनी रैम है, क्या इसमें पबजी हाईएस्ट सेटिंग पे चलेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो और पहले से मार्केट के लेवल नहीं निकाला, मार्केट की पल्स नहीं पकड़ी, मार्केट के ट्रेंड नहीं पकड़े, तो वो फिर आप गलत कर रहे हो।
आप जो पैशन के साथ एनालिसिस करते हो ना किसी भी कंज्यूमर सामान को खरीदने के लिए, उसी पैशन के साथ अपने स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है उसकी एनालिसिस करनी है और मार्केट की एनालिसिस करनी है। अच्छा एक और चीज़, मैं कई बार मान लो ऑफिस से ट्रेड करता हूँ तो मुश्किल हो जाती है चीज़ें, तो उसके लिए मैं अलग तरह से इस तरह से और एनालिसिस करके बना देता हूँ। बस यहाँ पर आपको देखने मिलेगा स्टॉक का नाम, स्पॉट के लेवल, टारगेट और स्टॉप लॉसेस, बस ये चार चीज़ें होती हैं और उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो मैं डिटेल में अलग से लिखता हूँ। तो ऑफिस के लिए भी अलग से प्रिपेयर होके रहना पड़ता है कि वहाँ से कैसे ट्रेड करना है, आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होके रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप प्रिपेयर हो और बिल्कुल ये सारा काम करते हो तो आपका नुकसान होगा ही नहीं, लेकिन मानो मेरी बात, आपके नुकसान का क्वांटम और क्वांटिटी दोनों कम हो जाएगी। यानी अगर आप बहुत सारे ट्रेड लेते थे, गलत ट्रेड लेते थे, तो वो गलत ट्रेड आप लोगे नहीं, और जब लोगे तो आपको अपने स्टॉप लॉस बहुत परफेक्टली पता होंगे, आपका नुकसान कम हो जाएगा। आप प्लीज़ एक बार इसको करके देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये बहुत आपके हेल्प करेगा। और एक लास्ट चीज़ आपसे कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, ये चैनल, ये एनालिसिस, हर चीज़ पॉसिबल है क्योंकि आप हो यहाँ पर। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।